सरगम बनाने का क्या फॉर्म्यूला है? ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे कि सरगमें बनाई जा सकती हैं? क्या हमें खुद से अगर उपज से कुछ डेवलप करना है, कोई अलंकार बनाना है, तो उसका क्या पैटर्न है, क्या तरीका है? कैसे हम खुद से कोई अलंकार या सरगम बना सकते हैं? तो इस पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा और थोड़ा बहुत एक आइडिया हो जाएगा खुद से सरगम बनाने का, है ना। ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आप लोग इसी ढंग से मुझसे पूछते हैं, तो मैं इन्हीं ढंग में इनका जवाब देना लाजमी समझता हूँ ताकि आप तक यही सवाल पहुँचे, है ना। अभी सवाल को अगर मैं बदल दूँ, है ना, कि खुद से सरगमें कैसे बनाएं या फिर उपज अंग से आप सरगम कैसे डेवलप करें, तो आपको नहीं समझ आएगा। आपको यही सवाल पूछना है, आप लोगों ने यही सवाल किया है कि सरगम बनाने का क्या फॉर्मूला है, तो चलिए यही सही है ना। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या फॉर्मूला हो सकता है। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। मोमिन खां मोमिन की ये लिखी हुई गज़ल है और गुलाम अली खान साहब की गाई हुई, उनकी कंपोज करी हुई, तो उसकी एक छोटी सी झलक। तो आइए, खैर, बात करते हैं उसी टॉपिक पर कि सरगम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अलंकार नए बनाए जा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अलंकार फिक्स सिखाए, उतने ही अलंकार हैं। नव निर्माण किया जा सकता है, संगीत में हर चीज़ का निर्माण किया जा सकता है, हर चीज़ को बनाया जा सकता है। उपज अंग इसी चीज़ के लिए होता है, ताकि आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें, कुछ डेवलप कर सकें, कुछ नया क्रिएटिव बना सकें, है ना। और यही संगीत का मकसद है कहीं ना कहीं, कि नया आप कुछ इसको दे के जाएँ, कुछ नया इससे सीखें और फिर इसी को कुछ दे कर जाएँ। तो खैर, सरगम बनाने के लिए जब आप आलाप बना रहे हैं, एक देखिए सरगम बनाने के अलग अलग जगहें हैं, पहले उसको समझना होगा कि या तो आप अलंकार बना रहे हैं, या कोई आलाप बना रहे हैं, या कोई तान बना रहे हैं। अब वो आलाप भी या तो गायकी में बना रहे हैं या इंस्ट्रूमेंटल बना रहे हैं, उसमें भी फर्क पड़ता है। पर ऑल इन ऑल उसका जो मूल है वो किससे बन रहा है, वो राग के चलन से ही बन रहा है। जब आप स्वर संगतियों को समझ लेते हैं, मैंने जैसे पहले बताया था, जब आपको राग का चलन समझने के लिए आप लोगों ने पूछा कि कोई तरीका है क्या, तो मैंने बताया था कि भाई उसकी कोई बंदिश हो, उसका कोई ख्याल हो, या फिर आपको कुछ उसमें आता है, वो गुनगुनाइए, वो दोहराइए दिमाग में और अपने आप उन्हीं स्वरों में घूमते रहिए। एक जब अगर आप कोई पर्टिकुलर ख्याल लेंगे या बंदिश लेंगे, तो अपने आप आपको उसका चलन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, कोई सरगम गीत लिया है ना, अब उस सरगम गीत से मैं आपको उसके चलन तक पहुंचाना चाहूं, तो उस सरगम गीत को वो एक तो निबद्ध है, ताल में निबद्ध है, तो उस निबद्धता को हटाइए और आराम आराम से उसको लंबे लंबे स्वरों में उसी सरगम गीत को बजा के देखिए, अपने आप आपको उसका चलन जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं एक छोटा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था, जैसे राग बिलावल का, तो उसका सरगम गीत है सानी रानी सा सारे सानी दा प ग म रे ग म प ग म रे सा नि सा ग रे सा नि धा ध सा रे सा ग म ग रे ग म प ग म रे सा। ये उसका सरगम गीत है। अब इसी को राग के आलाप में तब्दील कर दीजिए, इसको स्लो गाइए और थोड़ा न्यास, थोड़ा लंबे स्वर देते हुए, वादी संवादी का ख्याल रखते हुए, फिर देखिए कि ये चलन में तब्दील हो जाएगा। आ आ आ आ आ आ
मैंने कुछ नहीं किया, उसी सरगम गीत को अलाप फॉर्म में थोड़ा स्लो करके, उसको ताल निबद्ध न करके, लयबद्ध न करके, है ना, फिर उसको गाया, तो अपने आप उसका चलन बन गया। तो जब आप उस चलन को समझ जाते हैं, फिर उसमें उन्हीं स्वरों को तोड़ मोड़ के अलग अलग पैटर्न बना के आप ताने भी बना सकते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी कई वीडियोस दे चुका हूँ, उनको आप डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब एक छोटी सी ट्रिक की बात करते हैं जो मैंने कई कलाकारों से भी सुनी है, और मेरे ख्याल से आपको भी वो ट्रिक कहीं ना कहीं नजर आई होगी, आपको भी किसी ने बताई होगी कि ये भी एक ट्रिक है जिससे कि वो सरगम बन सकती है। वो है कि आप काउंटिंग कीजिए और काउंटिंग से पैटर्न बनाइए। इससे क्या होता है, कई बार डिफिकल्ट पैटर्न बन जाते हैं। जब हम स्वरों में उन पैटर्न्स को बनाने की कोशिश करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली आसान पैटर्न बनाते हैं। जैसे मैंने कोई सरगम बोली आपको, सारेगामा बधनी सासानी दबामा गरे सा, अब इसके मुझे अलग अलग पैटर्न बनाइए, तो आप बजाएंगे सागरे सारे मा गरे गामा गामा दबामा बानी दबा दासानी रानी रे सानी सामा गरे सा रे बामा गरे सामा गरे सा रे बामा गरे गा दबामा गामा नी दबामा बासा नी दबा। आप ऑटोमेटिकली पैटर्न ऐसा बनाएंगे जो कि आपके लफ्जों में, मतलब बोलने में आसानी हो जाए। तो कोशिश कीजिए कि स्वरों के जो अक्षर हैं उनको भूल जाइए और वहां नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सारे गा मा पा धा नी सा। अब कोई पैटर्न ले लीजिए 1 5 3 2 1, है ना, 1 5 3 2 4। अब 1 5 3 2 4 सा प ग रे मा, है ना, ये पैटर्न ले लिया आपने, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, छोटे से शुरुआत करें, भली 1 2 3 का ग्रुप है उसमें कोई ना कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाइए, जैसे सा, अब मैंने बोला 1 3 2 सा ग रे, अब रे आपका 1 हो गया है, तो रे मा ग ग प म म ध प प नि ध ध स नि नि रे सा, है ना। अब 4 का बना लीजिए 1 2 3 4, अब इसको जंबल कीजिए 2 3 1 4 रे ग सा मा, रे ग सा मा ग म रे पा म प ग ध प ध म नि ध नि प सा। ऐसे क्या करेंगे आप, जब सारे गमा पधा निसा को 1 2 3 4 लेबल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें आप अलग अलग नए नए पैटर्न्स और डिफिकल्ट पैटर्न बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है सरगम बनाने का, एक फॉर्मूला कह लीजिए भले ही आप इसको, है ना। और उल्टा भी ऐसे ही जाएगा, जैसे सा नी ध सा प ध प नी म प म ध ग म ग प रे ग रे म सा, है ना। ये कोई मेरा फॉर्मूला नहीं है, है ना, ना कि ये मेरे द्वारा डेवलप की गई कोई टेक्निक है। ये बहुत लोग करते हैं, बहुत गुणीजनों का ये तरीका है, जो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अगर आप खुद से बनाना चाहें और पलटे अलंकार या सरगम कह लीजिए उसको खुद से बनाना चाहें, तो ये एक तरीका है। तो इसको अपनाइए, राग के चलन को समझिए और कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए और खुद से कुछ पलटे बनाइए, खुद से रियाज कीजिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि जो पलटे दे दिए गए हैं उन्हीं का रियाज हो सकता है, उनके अलावा नया कुछ नहीं बन सकता। नया आपके अंदर से ही जन्मेगा, बस जरूरत है थोड़ी सी कोशिश की, है ना। तो ऐसे ही देखते रहे संगीत प्रभा वर्ल्ड की वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही लाता रहूंगा मैं कुछ ना कुछ नए वीडियोस। एंड हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस, जिसमें कि आपको हमारे चैनल के सारे ओरिजिनल्स गाने, गजल, भजन, ठुमरी, दादरा, कवाली, ये सब आपको वहां देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के वीडियोस को। ऐसे ही शुक्रिया।